हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। थोड़ी देर पहले मेरी सुबह हुई है और आज है जुमा। दो घंटे के बाद जुम्मे की नमाज स्टार्ट होने लगी और आज इतने सारे काम है और इतना टाइम नहीं मेरे कुल। तो अभी मैं स्कर को निकाल के बाहर आ गया हूँ क्योंकि आज मैंने जाना है इस्लामाबाद। तो जाके इसका पहले ऑयल चेंज करवाना है, इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवानी, उसके बाद घर वापस आके कपड़े अपने पैक करने, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाने, वो इस्लामाबाद लेके जाने। इस्लामाबाद पहुंच के बहुत सारे काम है तो आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी होने लगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो कि इतना टाइम नहीं है सच में मेरे कुल, आज हम लोग चलते हैं वर्कशॉप और वर्कशॉप पे चल के इसके सारा काम सारे मुकाले। और सुनने में आया है कि आजकल मोटरवे के ऊपर जो है न्यू रूल सेट हो गए हैं, तो बड़ा ही अरसा हो गया, बड़ा ही लंबा अरसा हो गया हम लोगों ने मोटरवे के ऊपर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज जरा चल के देखते हैं कि 750 का जो फाइन था वो कितने रुपए का हो गया। आज बड़ा बहुत लंबा अरसा हो गया चलाने का। वर्कशॉप पर अभी हम लोग आ गए हैं और इसके अंदर यहाँ पे ऑयल वगैरह चेंज करवाना है, इसकी ट्यूनिंग हमने करवानी है, उसके बाद इसके जो एक्सल्स होते हैं ना, एक्सल इसके बिल्कुल खराब हो गए, बिल्कुल मुक चुके हैं। लंबे सफर पे हम लोगों ने जाना है तो वहाँ पे ये ना हो कि बीच में कोई खराबी शराबी हो जाए। जरा इनसे पूछते हैं, नूर भाई क्या हाल चाल है, अर्शद भाई कैसे हैं यार, एक्सल्स मंगवाने हैं इसके, जुम्मे से पहले आ जाएंगे यार, एक्सल वगैरह तो आ जाएंगे, होप फ्री टाइम पे आ जाए। जरा एक मिनट बाकी यार फिल्टर्स वगैरह भी चेंज होने थे, तो ये ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर जो है ये दोनों चेंज होंगे। अभी ये ले जाइए, लगा दें। अभी 12 बजे हैं और फाइनली हमारे एक्सल्स भी आ गए हैं, अरशद भाई ने टाइम टाइम से मंगवा लिए हैं। ये तो बहुत हैवी है, तो है कैसा ये? जी इसका तो ऐसे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, 0 मीटर, बस ये जल्दी से हमने लगवाने हैं, ठीक है। आईफोन नहीं, ये वो दूसरे वाले हैं, अभी वो यूज़ नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? बंक मार के आ रहे हो आप? एक बात बताओ, कौन से कलर की आंखें हैं आपकी? ग्रीन है, माशाल्लाह बहुत प्यारी आंखें हैं। चलो मुस्तफा, ख्याल रखो अपना, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। A few moments later. ये जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है वो गाड़ी आगे से बिल्कुल खत्म है और यहाँ पे सामने देखो, ओह जुमे वाले दिन ही क्यों मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं, या अल्लाह खैर। दो घंटे और 50,000 रुपए लगे वर्कशॉप के पर, इसका कूलेंट चूलेंट ये सारे एक्सेल्स ट्यूनिंग चूनिंग सब कुछ सारा सेट हो गया और मेरे पास टाइम बहुत कम है। ऊपर चल के जल्दी से नहाते हैं, उसके बाद जुम्मे की नमाज का टाइम होने लगा है, एक मिनट भी नहीं है जाया करने के लिए, तो जल्दी से बस करते हैं। पूरे एग्जैक्ट टाइम के ऊपर मैं पहुंचा और जुम्मे की नमाज भी मुझसे पड़ी गई है, बाकी ये सामान वगैरह सारा पैक कर लिया है और एक काम यहाँ पे अभी और रह गया है, वो है ये गेमिंग चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है, इसको जल्दी से बस हम लोग पब्लिक कर देते हैं और अपलोड हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैंने लिंक भी दे दिया होगा, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो गेमिंग चैनल के ऊपर बहुत मजे की गेम प्ले है तो वो भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। खैर अभी बस यहाँ से हम लोग निकलते हैं, जाना है पहले पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे जाकर फ्यूल वगैरह फुल कराने, और रास्ते में आप लोगों को एक और चीज बताऊंगा, iPhone 15 Pro Max के बारे में एक मजे की चीज बताऊंगा, यकीन मानो मेरे होश उड़ गए थे, मैंने कहा 5 लाख रुपए जाए हो गए। खैर वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन अभी घर से हम लोग निकल, जस्ट अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ, मामा से अपनी मिलकर आया और उनको पता है कि मैं सुबह के टाइम ज्यादा कुछ नहीं खाता, तो ये चेक करो, उन्होंने कहा मोटरवे पे जा रहे हो तो ये रास्ते में खा लेना, मेरा डाइट सैंडविच रात में बॉइल्ड एग उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। सबसे पहले ये फ्यूल बिल्कुल खत्म हुआ है तो ये चल के हमने फुल करवाने। ट्रैफिक नहीं, क्या हाल चाल है यार, हाई ऑक्टेन फुल कर देना, हाई ऑक्टेन खत्म है ना करो जी, फिर मैं क्या करूंगा अब, ये तो गाड़ी चलती नहीं हाई ऑक्टेन के बगैर, ये फरमाइश करती है हाई ऑक्टेन पिलाओ मुझे, सिंपल भर दो, सिंपल सुपर है ना, सुपर डाल दो, फुल करनी है, फुल अभी इसके अंदर हाई ऑक्टेन भी नहीं डलवाया, लेकिन स्टिल चेक करो 14,800 रुपए का डल है। जब तक इसके अंदर हवा शवा फुल होती है तब तक चल के हम लोग जरा पानी पकड़ लें, 100 रुपए का। लाहौर टोल प्लाजा क्रॉस करके मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे जरा एक स्टॉप लिया। अब हम लोगों ने एक डिफरेंस देखना है 14 प्रो मैक्स के कैमरे में और 15 प्रो मैक्स के कैमरे में, तो ये अभी 14 प्रो मैक्स है मेरे हाथ में। ओह व्हाट अ गैप भाई, 14 प्रो मैक्स के कैमरे का रिजल्ट कुछ इस तरह का, ये आप लोगों को नजर आ रहा है पीछे, देखो इतना ज्यादा कोई खास ब्लर नहीं हो रहा, मतलब अच्छा खासा कैमरा इसका, लेकिन 15 प्रो मैक्स का रिजल्ट अब हम लोग चेक करते हैं, मैंने अभी तक खुद भी चेक नहीं किया, तो हम लोग उसका जरा एक दफा चेकआउट मान लें। इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसका जरा हम लोग चेक करें कि इसका
सिनेमैटिक में किस तरह का रिजल्ट आता है। मानो या ना मानो लेकिन 15 प्रो मैक्स के कैमरे की अलग ही चस है, यकीन मानो अलग ही चस है। ये जो मोबाइल है 15 प्रो मैक्स, मैंने इसको कल ओपन किया, ठीक है, इसकी सारी सेटिंग वगैरह स्टार्ट की और आप लोग यकीन ही मानोगे मेरे होश इस तरह उड़े कि जब मैं इसको ऑन करता, इसमें कोई भी एप्लीकेशन में ओपन करता ना, लोडिंग आती रही, ओपन ही ना हो, कुछ भी ओपन ना हो। उसके बाद मैंने कहा चलो कैमरा चेक करते, कैमरा ही ओपन ना हो। मैंने कहा वड़ गए भाई, 5 लाख काकू तुम्हारे वड़ गए, खलास। बहुत देर में परेशान रहा, यकीन मानो 1.5 से 2 घंटा मैं ऐसे बैठा रहा। मैं सेटिंग कर रहा था ना, स्टार्ट कर रहा था, तो मोबाइल स्टार्ट ही ना हो। मैं ऊपर से ये इतना लाइट वेट है, मैंने कहा हैवान ये कोई नकली पकड़ के तो नहीं मिला। इस बात का मेरे दिमाग में वहम पैदा हो गया कि यार ये लाइट वेटेड है, मेरा 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स उनका अच्छा खासा वेट है, तो मैं इस चीज में भी पड़ गया। मैंने कहा बढ़ गया यार, बड़ी परेशानी हो रही है। उसके बाद जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, इसकी थोड़ी बहुत रिसर्च की, तो पता लगा कि 15 प्रो मैक्स उन लोगों ने सच में जो है ना वो लाइट वेटेड बनाया। तो आप लोगों के मोबाइल में भी इस तरह के जो 15 प्रो मैक्स ले रहे हो ये इशू आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट वंस आप लोग कर लोगे ना तो सारे सोल्यूशन सब कुछ हल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 4 बज गए, तो अभी हम लोग सीधा निकलते हैं यहाँ से, आगे जाके कोई स्टॉप नहीं लेना, सीधा हम लोग इस्लामाबाद में जाके इंशाल्लाह रुकेंगे। रुको जरा, सब्र करो। वेलकम बैक जी, आफ्टर 150 किलोमीटर आराम सुकून से जा रहा था, 140 का क्रूज लगा के और फड़ा गया हूँ मैं। आ जाओ, ले लो चलान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, स्पीड ओवर कर दी है। कितने की है? 141। अच्छा, कितना चलान है इसका? चलान जितना आपको पता है। कितना है मुझे नहीं पता। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है, ड्राइविंग लाइसेंस है। फिर बचत होगी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो कितने? 5000। 5000 हो गया? 5000। ये पहले तो नहीं था इतना? ओवर स्पीडिंग जी, पहले इतना तो नहीं था, अब बढ़ गए ना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे चाचू ने न्यू रूल्स भेजे थे कि चलान भर चुके हैं, तो खैर अब ओवर स्पीडिंग करे तो भरना तो पड़ेगा हमें चलान। ये वाला बंदा कह रहे कि वो सामने से गाड़ी आ रही है आपको वो चलान देगी, तो वो रिवर्स में आ रही है, कह रहा आप यहीं पे खड़े रहो। तो लेट्स सी के आज 140 की स्पीड पे कितने का चलान होता है, जरा प्राइस का भी हमें पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। बहुत मिस किया, यकीन मानो मैंने इन चलानों को, इस मोटरवे को बहुत मिस किया, बहुत लंबे अरसे बाद यहाँ आ रहा हूं। ये ऑलमोस्ट पहुंच गए और सीनस है कि मेरे पास गाड़ी में टोटल 5000 रुपए पड़े हुए, क्योंकि आगे जाके हमने 1000 रुपए उधर भी देना होता है जो टोल प्लाजा इस्लामाबाद के क्रॉस करेंगे। तो अल्लाह कह रहे 5000 से नीचे चलान। सही बताऊं तो मैंने चलान के रेट्स वगैरह नहीं देखे थे, बस मुझे इतना पता था कि हाँ चलान के रेट्स बढ़ गए, और ये अगर सीट बेल्ट ना पहनी उसके भी, और ड्राइविंग लाइसेंस का भी इन लोगों ने मुझे बताया था। बढ़ गए भाई, ओए, मुझे सही कवर कर लिया भाई, पीछे भी गाड़ी आ गई है और सामने से भी। लाइसेंस दीजिएगा, ये ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन एक चीज है कि ये डील बहुत अच्छा करते हैं, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले ना मोटरवे वाले, ये हमेशा बहुत तमीज तरीके से बात करते हैं, जो हमारी शहर की पुलिस होती है ना वो काम खराब करती है, पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है अगले बंदे से। लेकिन ये मोटरवे वाली प्लीज सबसे बेस्ट है, तो इन्हें एक दफा रोका है, मैं रुक गया। मैंने कहा अगर मैं चला जाता मसला ना होता, लेकिन एक इशारे पे इनके मैं रुक गया। बैग में सामान है? कौन सा सामान है? कपड़े हैं मेरे, आईपैड है, मोबाइल्स हैं। तो मशकूक सामान तो नहीं है? नहीं, मशकूक नहीं है। जी जी, ये स्कैन कर सकते हैं, आपको ना पता चल जाएगा कि लीगल है या इलीगल है। ये ना गाड़ी में रखा करें, बेहतर होता है। क्या चीज? मैं ना ये गाड़ी में रखा करें, बेहतर होता। हाँ जी हाँ जी। अब जुर्माने ओवर स्पीड के भी बढ़ गए हैं, 2500 से 10000 हो गया। 10000 रुपए? 2500 से 10000 हो गया। मैं कर नहीं रहा, मैंने किया सिर्फ 2500 ही है, मैं से बता रहा हूँ। अच्छा, ये 750 होता था पहले भी? खत्म हो गया। 140 की स्पीड पे कितने वाला होता है, कितने रुपए का होता है? यार ये तो डिपेंड करता है कि आप, असल में ना कुछ मामला इस तरह के होते हैं कि कई दफ़ा फेवर देनी पड़ती है। हाँ जी ठीक है, तो वो कुछ इस तरह के मामला होते हैं, वो बंदे पर डिपेंड करता है कि आगे बंदा किस तरह डील करता है। जी जी सही। नहीं वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जब भी मोटरवे पुलिस ने रोका है ना, तरीके से रोकते हैं और आराम से बात करते हैं, ये शहर की जो पुलिस होती है ना ये काम खराब करती है, इसलिए रिस्पेक्ट है ये मोटरवे पुलिस के लिए। सही बता रहा हूँ, असल में जब आप हमसे अच्छे से पेश आएंगे हम भी आपको अच्छे से। एग्जैक्टली, अगर महकमा तो ये कहता है कि जो 140 से 150 से ऊपर हो ना, हाँ, उस पे FIR चले। अच्छा, तो तरीकेकार में नहीं जाते हम तो, हाँ, ज्यादातर ये, हाँ, जो बहुत ज्यादा मस्ती करता हूँ उसके लिए। जी जी, नहीं, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए, बहुत शुक्रिया। 500 रुपए वापस हमारे बचत हो गई है। वल्लाह सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है इनके, ये डील करने का जो तरीका है ना, मुझे मसला नहीं है चलान दे रहे, बंदा इनसे बहस करे ना कम भी करवा ले, इस तरह का सीन हो जाता है, लेकिन मोटरवे पुलिस हमेशा सबसे बेस्ट पुलिस जो है ना वो मोटरवे पुलिस है। खैर बस ये चलान और ये कार्ड जो है गाड़ी का वो बैग में रखते हैं वापस और निकलते हैं, अब आराम से चलाएंगे होपफुली। मेरा मैं इंक्वायरी कराना, तेरा मैं साफ लाना, हूँ अपना ख्याल कर। 2 hours later फाइनली मैं इस्लामाबाद पहुंच गया एंड इट फील्स सो गुड। सीधा डायरेक्ट मैं आया हूँ इधर RPS के ऊपर। RPS की पूरी फॉर्म है रियल परफॉर्मेंस शॉप, और आप लोगों को मैं एक बात आज बता दूं, कोई पता नहीं है कब, क्या पता एक हफ्ते बाद, क्या पता एक महीने बाद, क्या पता एक साल बाद, इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैंने लेनी अपनी ड्रीम कार, और
डायरेक्ट उसको मैं जिस दिन लेकर आ रहा हूँ ना पाकिस्तान में डायरेक्ट इधर ले आना है। ये अंदर पूरी की पूरी शॉप है, आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे होते हैं रहील भाई। सीन ऐसा है कि डायरेक्ट मैंने जाना था बैरियर, मैं सीधा यहाँ पर आ गया आरपीएस के ऊपर, क्योंकि मुझे वर्कशॉप देखनी थी, मुझे रहील भाई से मिलना था, मुझे अपने दिल को ठंडक देनी थी, इन फ्यूचर हम लोगों ने यह सारा सीन कराना। तो वो सामने अभी हमने स्क्वायर को पार कर दिया, बाकी ये सारी लाइन साइन है। अभी आप लोगों को मैं अंदर चल के रहील भाई से भी मिलाता हूँ। आप एंटर हो और आपके सामने आपकी ड्रीम कार खड़ी हो, वो वाले गूज़बम्प वाला सीन बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ी है। खैर मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा उसमें। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? वी मीट वंस अगेन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। रहील भाई अभी इस्लामाबाद पहुंचो और डायरेक्ट मैं आरपीएस आ गया। की मानो मैं डायरेक्ट बिना मैं फ्लैट पे नहीं गया, लोहार उतरते ही डायरेक्ट यहां पे पहुंच गया। जस्ट आरपीएस पे मैं अपने दिल की ठंडक के लिए आया हूं। बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, इन दोनों का मुझे वो चाहिए कंपैरिजन, और मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी बेस्ट है मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। बहुत देखो, दोनों की अपनी क्लास है, ठीक है। मेन हमारे यहाँ बीएम के लवर्स जरा डिफरेंट हैं और मर्सिडीज डिफरेंट है। बीएमडब्ल्यू के लवर्स भाई, मैं भी बीएमडब्ल्यू। देखो बीएम जिसने चलाई, जिसने रखी है, वो मर्सिडीज पे नहीं जाता। वजह ये कि सुपीरियर होती है। एग्जैक्टली। मेन इशू हमारे यहाँ आ जाता है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो माशाल्लाह हमारे यहाँ काम भी कराया जाता है, सब कुछ। जब बीएम में जो है ना, वो मॉड्यूल ड्रिवन गाड़ी है, उसमें जब हम छेड़छाड़ करते हैं और कोई जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एरर्स आ जाते हैं। वो एरर्स आते हैं तो वो सॉर्ट आउट नहीं होते, तो बीएम थोड़ा घुमाती है। किसी मिसाल देता हूँ आपको कि टांग में तकलीफ होगी, बताएगी सर में ये वाला थोड़ा सा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा M5 बनाई थी आज से कोई 3 साल पहले। वो आज तक गाड़ी जीरो मेल फंक्शन है, ड्राइवेबल है। M5 थी वो? M5 थी, F10। तो चॉइस आपकी है। चॉइस इस वर्कशॉप से गाड़ी मैंने की, बीएम हो या मर्सिडीज हो। मैं यहाँ पे आया सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ ताकि आपसे मैं ये वादा लेके जाऊँ, ये ना कि कल को आप मुकर जाओ रही भाई, ये ना हो कल को आप मुकर जाओ कि नहीं मैं नहीं बना रहा। ये आज मुझे वादा चाहिए कि मैं जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट ले रहा हूँ यहाँ से तैयार होगा। रियल है बंदा, इन सबको मैं रखूंगा गेस्ट के अंदर। आपको सिर्फ मैं बता देता हूँ कौन है कि मेरी कौन सी वाली गाड़ी है, वो रहील भाई को सिर्फ मुझे एक बार बता दो, फास्टेस्ट चाहिए या बाकी फास्ट चाहिए? नहीं, मुझे कंफर्टेबल चाहिए, रिलायबल चाहिए, और ये जो काम शाम ना निकाले। नहीं निकाले, डोंट वरी। वो इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ना, आरपीएस में आने का मकसद क्या है? हाँ बस ये जी की तरह मसले ना निकले भाई। चलो खैर, अब आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में अगर पता तो रहील भाई को पता है कि मेरी नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है। रहील भाई इंशाल्लाह हम इसको रिवील करेंगे फिर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं बाकी एक छोटा सा क्लू दे देता हूं कि वन ऑफ इट्स काइंड कर देंगे। वन ऑफ इट्स काइंड, बस सेट है। रहील भाई से प्रियो के मैं आ गया था, और गेस करो कौन सी जगह पे मैं आया हूं? गुलबर्ग ग्रीन। तो अभी गुलबर्ग में आया, स्कर को यहाँ पे पार्क किया। मैं गुजर गया था, मैंने बैरियर टाउन जाना था, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि क्यों ना सेलिब्रिटी लोगों से मिलते जाए। ये देखिए बड़े बड़े लोग भाई, आओ जी, क्या हाल चाल है उस्मान भाई? मैं तो हैरान हूँ आप उससे मिल के चले। एक्सट्रीमली बिग फैन सर, बिग गेस्ट फैन। आजकल इस्लामाबाद दुख है, अगर किसी को दुख है इस बंदे का, आजकल इस्लामाबाद में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए। यकीन मानो उस्मान भाई, मैं आपसे मिलने नहीं आया, क्या करने आया होगा, सिर्फ आपकी हंसी सुनने आया। चलो यार, अभी जूस वूस ऑर्डर किया है तो जूस आ जाए, वो पीते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। सेलिब्रिटीज की गाड़ी में हम लोग वो है, वो है, वो है, वो है, वो है। आहा ये ले सर, आपका फ्रेश जूस। थैंक यू सेलिब्रिटी। यार ये क्या हो रहा है आजकल? सुबह हमने लाहौर में एक्सीडेंट देखा, अब यहाँ पे एक्सप्रेस वे के ऊपर पूरी ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक हो गया, जो वो लाइन है, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। हमाद भाई ने लोकेशन भेजी थी तो यहाँ पर मैं आया, उनका वेट कर रहा हूँ, उनके साथ फिर हम लोग बैरियर टाउन चलेंगे। अभी F10 मरकज जाए हुए थे, यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेने थे, मैंने भी एक दो शर्टें पकड़ ली क्योंकि मैं सब कुछ लेके नहीं आया। बाकी हमाद भाई ने अपने लिए कपड़े वगैरह भी ले लिए। क्या हाल चाल है जी, आप सुनाओ हमजा भाई कैसे हो? गुड यार। ये ऐसे खुलती है, मजा
इस सामान को रखते हैं हम लोग बाकी के सामान के साथ और अब सीधा हम लोग चलेंगे डेरिया टाउन। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मैं इधर अकेला आया हुआ हूँ। यहाँ पे टक शॉप कोई ढूंढो के कोई टक शॉप मिल जाए। फिलहाल प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और ऊपर पीने के लिए कुछ भी नहीं है तो बाकी सारे वहाँ पे सोए पड़े हैं। यहाँ पे कोई टक शॉप हमें मिल जाए वहाँ देखते हैं चल के, कोई पानी शानी भी मिल जाए। कैफे तो खुला हुआ है, वो सामने कैफे खुला हुआ है। आओ जी 24/7 टक शॉप। बॉय रात के 3:30 बजे ये चीजें मुझे मिल गई हैं। 24/7 टक शॉप जो ओपन होती है, बस एक ही यहाँ पे दुकान खोली हुई थी। अब सुबह तक मैंने जागना है, बैठ के ब्लॉग एडिट करना है, ये जिंदगी है भाई। लाइक सब्सक्राइब आप लोग ठोक दिया करो। हैवानात लोग अपार्टमेंट में वापस आ गए हैं और स्कर को और हमाद भाई की प्राडो को हमने नीचे बेसमेंट में पार्क कर दिया है। ये दोनों भी यहाँ पे सो जाएंगी। आज है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच तो नया ब्लॉग भी आने लगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करना कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। बाकी आज का ब्लॉग ये एंड करते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अंसिल।